रात में 8 बज रहे और मैं आया था पुनः जो यहाँ थे उनके घर पे आया था। देखो रात में माँ जी है यहाँ पर और देखो इन्होंने खाना भी नहीं बनाया है अभी, कुछ राशन भी नहीं था इनके पास, थोड़ा है थोड़ा बहुत, तो हम कल या परसों एक दिन में कुछ कर देंगे। लेकिन ये मेरे को बोल रहे हैं कि जब पप्पू नाथ, मतलब उनको क्या टीबी का प्रॉब्लम हो गया था और लकवा भी हो गया था साथ में, तो बोल रहे लास्ट में तुमको बहुत याद कर रहे थे कि यार वो एक बार आ जाता मेरे पास तो। लेकिन मुझे पता नहीं था और मैं एक बार यहाँ किट देने आया तभी भी यहाँ कोई था नहीं, और फिर क्या पूरे दिन वो रहते नहीं, और वो क्या 20-25 दिन एडमिट थे ना, कितना दिन हाँ, एडमिट। इधर 20 दिन रुका था भुज में। हाँ वो मेरे को बाद में पता चला कि हाँ, 20 दिन वहाँ रुके थे, फिर वो गाँव लेके गए ना उनको। गांव लेके गए। हाँ फिर गाँव लेके गए, लेकिन वो बोल रहे थे यार मेरे को बहुत याद कर रहे थे कि भाई एक बार वो मिल जाए। एक महीना हो गया उसको शांत हो गए। 1 महीना हो गया शांत एक हो गए महीना उसको। हो हाँ अभी हमारे बीच पप्पू नाथ नहीं रहे हैं, तो बस वो उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये देखो माँ भी रो रहे हैं, रो मत, हम है ना आपके साथ ही है हम। और ये आधा बन गया। बंटी भी आ रहा है और उसको भी वहाँ से निकाल दिया, निकल दिया उसको। हाँ, छुट्टी कर दी रजा दी। देखो लोग क्या करते हैं ना यार, सही में समझ में नहीं आता है। किसी मतलब उनके पिताजी बीमार थे तो हॉस्पिटल में तो रहना पड़ेगा ना किसी को, तो उसको नौकरी में से भी निकाल दिया। बंटी जय जय माता दी सर। माता जी, कैसा है तू? शांति है। अच्छा काम पे नहीं जाता है क्या वहाँ? क्यों? काम भी नहीं मना बोल होता। लिया, मैंने बोला मेरे को छुट्टी चाहिए, पापा को छोड़ने जाना है, तो उन्होंने मना बोल लिया कि नहीं भाई, बाप मरे कोई भी मरे मैं छुट्टी नहीं दे सकता। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया वहाँ से। देखो क्या हालत है भाई लोगों की सही में यार, कि मतलब कोई उसके पिताजी पता है 1 महीना हॉस्पिटल में थे तो मतलब रजा नहीं दे रहा था, छुट्टी नहीं दे रहा था काम के लिए, तो ये गलत बात यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके अभी इसके पापा भी नहीं रहे, पप्पू नाथ जो हमारे यहाँ बहुत बार हम आ गए, उनकी हमारे पास यादें भी है, फोटो भी है, वीडियो भी है, उन्होंने जो भजन गाया था होली के दिन वो हमारे पास है, तो भाई ऐसा मत करना चाहिए। ठीक है वो वाले सेट है क्या तुम्हारे सामने? हाँ मैं बात करूँगा उनसे, ठीक है तो उनसे भी बात करेंगे क्या है क्या नहीं, मसला जो जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ, उनसे समझाएंगे उनको, और इसको बंटी को वहाँ वापस नौकरी में लगवाएंगे क्या। तो इनका कुछ घर चला, अभी इनके पास कुछ पैसे ही नहीं है पता, अभी मेरे पास 200 रुपये था तो अभी 200 रुपये दिया मैंने इनको, कुछ पैसे भी नहीं है इनके पास और देखो कैसी हालत में रह रहे यार, बहुत अफसोस हो रहा है सही में। ठीक है बंटी टेंशन मत लेना, मैं 1-2 दिन में किट दे के जाऊँगा और 1,000 रुपये कैश दे के जाऊँगा, ठीक है? तब तक चलाना, फिर होली के दिन जा रहे हो ना गाँव? होली के 15 दिन पहले जाऊंगा सब। हाँ तो ठीक है तभी भी वो दे के जाऊँगा मैं कुछ ना कुछ, हाँ टेंशन मत लेना हम है यहाँ, ठीक है ना? ठीक है ठीक है दोस्तों। देखो माँ आप रो मत, है हम है यहाँ आपके साथ ही है, ठीक है ना? टेंशन मत लो, मेरे को भी देखना था यार पप्पू नाथ को एक बार, लेकिन क्या अभी मेरे को जब उसने बताया ना कौन भांजा था ना आपका, हाँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था मुझे भी कि बोल रहे वो है ही नहीं अभी हमारे बीच। तो वो 2 बार फोन लगाया था इसने, किया बंटी को बोला कि बंटी अपना टिकट दे तो भैया से बात करा दे, तो ये कि पापा मेरे पास से नंबर उड़ गया, नहीं मेरी सिम लॉक हो गई चलती चलती। तेरे पास नंबर नहीं था क्या? मेरे नंबर निकल गया था, फिर मैंने वो उस दिन फोन आया ना आपका, हाँ उस दिन फिर मैंने नंबर लिखे थे रजिस्टर में, तो फिर यहाँ पे आके फोन लगाया था आपको मैंने। ये यहाँ गिर गया था, देख लेते कुछ टूटा फूटा नहीं ना बाइक से क्या, आज अकेला ही हूँ कोई है नहीं, किसी को फोन भी नहीं किया आज। ठीक है ये है पूरा किट, 1100 रुपये दे देता हूँ। आज हमारे मित्र जो ये सब किट में सेवा करते हैं ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है तो मना करते कि मेरा नाम मत लेना कुछ नहीं, बस सेवा करते रहो और नाम मत लो ऐसे ही, और ख्याल रखना सबका। बंटी हाँ। दवाई लेनी है? नहीं गोली ले मंगवाया अभी गोली।